वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस कैंसेरियंस। कैंसेरियंस, ये आपकी मार्च की लव रीडिंग है और इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी मार्च की जनरल एनर्जीज देखेंगे कि मार्च में आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, कौन लोग दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में, क्या अलग अलग चीज़ें हैं, प्रेडिक्शंस हैं, लोग हैं और इमोशंस हैं। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल एनर्जीज निकालेंगे, एनर्जी चेकिंग्स करेंगे और उसके बाद हम आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आउटकम देखेंगे और आपकी पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये देखेंगे और उसके बाद हम आपकी हर एक साइन के साथ में कंपैटिबिलिटी देखेंगे और आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे लव लाइफ में। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड और उतना ही खुद पे लें जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं कैंसेरियंस। तो सबसे पहले है पेज ऑफ वांड्स। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि आप किसी पर्सन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं मार्च में, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं किसी पर्सन को लेके, बहुत ज़्यादा किसी पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड आप लग रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे फाइव ऑफ वांड्स की एनर्जी है, जो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट है किसी पर्सन के लिए वो आपके लिए थोड़ा सा सर दर्द लेके आ सकता है। लाइक आप किसी में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि आप आपके इमोशंस आपके लिए बर्डन लगने लग गए या फिर बहुत आप ओवर थिंक कर रहे हैं इस पर्सन के बारे में। सो, उसके बाद में यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आपकी लव लाइफ में क्रिएट हो सकता है मार्च में। आप कन्फ्यूज हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेके कि ये पर्सन क्या सोच रहा है, मैं इस पर्सन को अप्रोच करूँ या नहीं, कॉल करूँ या नहीं, मैसेज करूँ या नहीं, दिस एंड दैट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, या फिर अब मैं अपनी लव लाइफ में क्या स्टेप लूँ उसको लेके कंफ्यूज हैं, या फिर दो ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज हैं। तो जो भी कंफ्यूज होने का रीज़न है, यहाँ पे कन्फ्यूजन दिख रहा है आपकी लव लाइफ में। उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कि किसी टाइप का ऑफर आपको मिल सकता है मार्च में। हो सकता है कोई पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो सकता है कोई पर्सन आपसे मिलने में इंटरेस्टेड हो, कोई पर्सन किसी चीज़ किसी तरीके का ऑफर कहीं से ज़रूर आ रहा है आपकी लव लाइफ में। एट द सेम टाइम यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। मार्च का एक ऐसा पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे आपका किसी पर्सन के साथ में कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। टू ऑफ कप्स आया है, टू ऑफ कप्स बॉन्डिंग बताता है, टू ऑफ कप्स फ्रेंडशिप बताता है, या फिर इन सम केसेस ऐसे रिलेशन बताता है जहाँ पे बॉन्ड कर रहे हैं अभी आप एक दूसरे के साथ में। तो यस, आप कनेक्टेड हैं किसी पर्सन से मार्च में। ओके, आपके इमोशंस कनेक्टेड हैं। उसके बाद में यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। जिस पर्सन के साथ में इमोशंस कनेक्टेड हैं, जिस पर्सन के साथ में बहुत ज़्यादा आप अटैच लग रहे हो, उसी पर्सन के टूवर्ड्स अगेन कन्फ्यूजन होते हुए दिख रहा है। इस कनेक्शन में कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्सन के इंटेंशन क्या है मेरे लिए, या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कनेक्शन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। बॉन्ड तो बन रहा है, कनेक्टेड तो आप दिख रहे हैं, बट इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा, आगे क्या होगा, ये पर्सन एग्जैक्टली क्या इंटेंशन रखता है आपके लिए, ये सारी चीज़ें कुछ गैस कर पाना मुश्किल हो रहा है, समझ पाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में आप दिख रहे हैं जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये एक ऐसा भी मंथ हो सकता है जहाँ पे आप किसी पर्सन को लेके एकदम क्लाउड्स में रहें, आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करें, बहुत सारे इल्यूजन्स में रहें, तो ये चीज़ भी हो सकती है। उसके बाद में यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और नाइन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हुए दिख रहे हैं मार्च में। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में चल रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपके दिमाग में। आप अपने पर्सन के छोटे छोटे एक्शन को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। इस पर्सन ने मुझे ये क्यों बोला, इसने मुझे कॉल का रिप्लाई, मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं मार्च में। ऐसी भी एनर्जी है कि बात इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा आप उसे दिमाग में बना रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकें, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी बात को लेके बड़े बड़े इश्यूज दिमाग में क्रिएट हो रहे हैं, फियर्स हो सकता है दिमाग में क्रिएट हो। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस की एनर्जी ये बता रही है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं मार्च में
आप में और उस पर्सन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। अगर आप मून हैं तो ये पर्सन सन है। इतना ज़्यादा डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं आप दोनों। कई बार ये कार्ड तब भी आता है जब आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तब भी आता है, या फिर अगर आपका रिलीजियस बैकग्राउंड अलग है, कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अलग अलग है, तब भी ये कार्ड आता है बहुत बार। बट टेम्परेंस ये भी बताता है कि रिगार्डलेस ऑफ कि क्या डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे आप दोनों कोशिश करेंगे एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने को लेके। एट द सेम टाइम यहाँ पे टू ऑफ वांस है। टू ऑफ वांस आपका ये थर्ड कार्ड है इस रीडिंग में, जो ये कन्फ्यूजन बता रहे हैं कि आप कन्फ्यूज ये हो रहे हैं कि मैं क्या स्टेप लूँ, तो आप कन्फ्यूज रहेंगे कि मैं क्या स्टेप लूँ। और होपफुली कि हम आगे जब गाइडेंस देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाए, क्योंकि आपके दिमाग में आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं कॉल करूँ, क्या मैं मैसेज करूँ, क्या मैं प्रपोज करूँ, क्या मैं कमिटमेंट के लिए पूछूँ। तो ये आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। उसके बाद में यहाँ पे डेथ और रीबर्थ का कार्ड है। बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी लव लाइफ गुजर रही है, क्योंकि यहाँ पे डेथ है और रीबर्थ है। तो एक्सपेक्ट करिए कि बहुत सारे चेंजेस मार्च में आपके और किसी पर्सन के बीच के रिलेशनशिप के जो डायनेमिक्स हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो सकते हैं, बदलाव आ रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, यहाँ पे बेसिकली जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस दिख रहे हैं। तो हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हैं, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। एट द सेम टाइम ये कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है, अगर ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है, तो ये कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बिजी है, मैच्योर है। और हो सकता है आपको इस पर्सन की ये जो चीज़ है ये बॉदर करे। उसके बाद यहाँ पे ओके आई एम सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे हो ये रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ में हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में दिख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में दिख रहे हैं, आप सेंसिटिव दिख रहे हैं। यहाँ पे नाइन ऑफ वांड्स की एनर्जी भी है। नाइन ऑफ वांड्स की एनर्जी बता रही है कि रिगार्डलेस ऑफ कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे। और कभी कभी आप थका हुआ भी फील करेंगे कि मैं थक गई हूँ इस कनेक्शन में फाइट करते करते, मैं थक गई हूँ इस पर्सन के लिए फाइट करते करते, बीच में आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है। उसके बाद में यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स है। बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं आपको, पुरानी मेमोरीज बहुत ज़्यादा हैं और पुरानी बातों का आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। मार्च में क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कैंसेरियंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अगेन आपकी इच्छा बता रही है कमिटमेंट की, आप कमिटमेंट चाहते हैं। या तो एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में कोई वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, कन्या राशि, वृषभ राशि और मकर राशि। तो हो सकता है ऐसे किसी पर्सन से आप डील करो। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी जनरल रीडिंग में आना मतलब कि आपके कनेक्शन में हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फिर आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में उनका फोकस किसी थर्ड चीज़ पे हो, जैसे उनका काम या फिर उनकी फैमिली, या फिर उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर उनकी फैमिली का इंटरफेरेंस, या फिर जेलेसी, ऑब्सेशन, को डिपेंडेंसी, किसी टाइप की टॉक्सिसिटी यहाँ पे मार्च में आपके कनेक्शन में दिख रही है। द मैजिशियन दिख रहा है। द मैजिशियन से समझ में आ रहा है कि कॉन्स्टेंटली आप अपने पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो ये एनर्जेटिकली हो सकता है कि आप एक्चुअली अपने अफर्मेशन बोल रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, या फिर ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, जहाँ पे आप अपनी बातों से या फिर अपने एक्शन से किसी पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स मतलब तो आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है, आपकी लव लाइफ में कोई पर्सन आपको कुछ ऑफर दे सकता है। ऑफर मतलब अगेन जो पहले हमने एनर्जी देखी थी वो वापस से आई है, कि कोई पर्सन आपसे मिलने के लिए बोल सकता है, बातें करने के लिए बोल सकता है, और ये चीज़ जो भी है ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन लेके आएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि पर्सन मेल ही हो, ये पर्सन फीमेल भी हो सकता है, बट ये आपको किसी टाइप का ऑफर दे रहे हैं और इस ऑफर से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आ रहा है। आई डोंट नो ये पर्सन सेम है या कोई और है, बट यस ये चीज़ होते हुए दिख रही है। अब चलिए आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आउटकम देखते हैं और आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं ये देखते हैं।
ओके कैंसरियंस, लेट्स सी, किंग ऑफ सॉर्ड्स दोबारा से आया है. देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे और एस ऑफ सॉर्ड्स है. द सन है. ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी कि यहाँ पे द सन आया है. किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, इतने सारे सॉर्ड्स आए हैं इस बार, क्या बात है. एक और सॉर्ड का कार्ड है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, एट ऑफ, ओ माई गॉड, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है. क्या पेयरिंग हो रही है, एकदम आप और आपके पर्सन सेम एटीट्यूड में स्टैंड कर रहे हैं लाइफ में. एक पॉइंट पे आके आप दोनों का एटीट्यूड सेम होता हुआ दिख रहा है. आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं. हाँ ओके, तो चलिए देखते हैं. सो पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अप्रोच रखी है. ओके, तो आपने, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं पास्ट में अपनी लव लाइफ में, किसी कनेक्शन के टूवर्ड्स दिख रहे हैं या फिर किसी पर्सन के टूवर्ड्स, या ओवरऑल आप क्योंकि हैं भी कैंसर साइन, आप वाटर साइन है, आप में बहुत ही बढ़िया इमोशंस होते हैं, आप लोग लविंग होते हैं, आप लोग कंपैशनेट होते हैं, आप लोग केयरिंग होते हैं. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप अपनी, यू नो, अपने रियल सेल्फ में पास्ट में अपनी लव लाइफ में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं. पास्ट 30 डेज़ पुराना हो सकता है, 2 महीने या 3 महीने पुराना. तो यहाँ पे आप अपने रियल सेल्फ में खड़े हैं पास्ट में. बट आपको पास्ट में ऐसा रियलाइज हुआ है कैंसेरियंस कि जब आप ज़्यादा एक्स्ट्रा लविंग हो जाते हैं, एक्स्ट्रा केयरिंग हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो ना लोग कई बार उसका फ़ायदा उठाते हैं, चाहे आपके खुद के पर्सन ही क्यों ना हो, क्योंकि चाहे आपके पार्टनर ही क्यों ना हो. तो आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि आपके खुद के इमोशंस, आपका खुद का प्यार, आपका खुद का लव और केयरिंग नेचर आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर देता है. और आपको फिर ख़राब ये लगता है कि मैं अपनी तरफ से इतना ज़्यादा, यू नो, सपोर्ट कर रही हूँ किसी कनेक्शन को, या एफर्ट लगा रही हूँ, मैंने इतना प्यार दिया पर मुझे रिटर्न में नहीं मिला. तो उस चीज़ के कारण आजकल आपका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया है. मुझे लग रहा है कि आजकल आप थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में स्टैंड करो, जहाँ पे आप लोगों को, चीज़ों को और अपने रिलेशंस को थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं. एट द सेम टाइम आप डील भी ऐसे ही लोगों से करते हैं मेरे ख्याल से, कि आपकी लाइफ में लोग भी ऐसे ही आपको मिलते हैं कि जहाँ आप एक्सट्रीमली इमोशनल हैं, वहाँ पे आपको ऐसे लोगों से अपनी लव लाइफ में डील करना पड़ता है. या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे लोग खुद इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और सारे रैशनल डिसीजंस लेते हैं, मैच्योर डिसीजंस लेते हैं, बहुत ही रोबोटिक टाइप के लोगों से आपने अपनी लव लाइफ में डील किया है. और यहाँ पे सेम ऐसे ही एक पर्सन दिख रहा है जो कि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है. तो जैसे मैंने आपको बताया था, वैसे तो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी होती है, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो प्रैक्टिकल है, जो मैच्योर है, उससे आप डील कर रहे हैं. अब यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है. एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि इस पर्सन से रिलेटेड कोई बड़ी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है मार्च में, आपको क्लियर होगा. अगर आपको क्लियर नहीं है ना कि जिस पर्सन से आप डील करें वो पर्सन क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, तो यहाँ पे आपको मेजर कुछ क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है. ओके, मार्च में कुछ मेजर क्लैरिटी मिलेगी, कुछ बात आपको पता चलेगी जिससे आप क्लियर होंगे कि ओके, अब मुझे करना क्या है, मुझे समझ में आ रहा है. तो जहाँ पे हमने मार्च की ही एनर्जीज आपकी कंफ्यूजन वाली देखी थी, यहाँ पे मार्च की ही एनर्जी क्लैरिटी वाली दिख रही है, जहाँ पे कुछ बात आपको पता चल सकती है अपने पर्सन के बारे में, अपने कनेक्शन की सच्चाई पता चल सकती है, किसी पर्सन की सच्चाई पता चल सकती है. और यहाँ पे द सन की एनर्जी भी है. सन की एनर्जी बेसिकली ये बता रही है कि आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, आपकी लव लाइफ में आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहने वाला है, और बहुत सारा अच्छा टाइम आप किसी पर्सन के साथ स्पेंड कर रहे हैं जहाँ पे आप खुश हैं और हैप्पी हैं. अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपके रीडिंग में पास्ट में आप हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, किसी ने आपके प्यार को समझा नहीं है, तो प्रेजेंट में आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव, ऐसा क्या हो रहा है कि मार्च में आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे हो? तो कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे मार्च में जो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कराने वाले हैं, और आपको आपके पर्सन की रियलिटी भी समझ में आएगी. अब आपकी स्ट्रेंथ में, जो स्ट्रेंथ है, जो यूनिवर्स आपको सजेशन देना चाहते हैं, उसमें थ्री ऑफ सॉर्ड्स आया है. मतलब कि यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है कि कम आउट ऑफ हार्ट ब्रेक, अपने हार्ट ब्रेक वाले मूड से थोड़ा सा मूव ऑन करिए, जो पास्ट में हुआ है उससे थोड़ा सा मूव ऑन करिए और खुद को हील करिए,
और अब आगे के बारे में सोचिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए, या फिर प्रेजेंट को इन्जॉय करिए, ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। आप किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो? आप पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो? जो पर्सन जैसा आपसे बिहेव कर रहा है, मतलब आपके पर्सन जैसा आपसे बिहेव करते हैं, आप अपना एटीट्यूड थोड़ा सा वैसा ही रखने वाले हैं। अगर ये पर्सन आपको एटीट्यूड दे रहा है तो आप भी एटीट्यूड देंगे। ये आपकी कॉल्स का लेट रिप्लाई कर रहे हैं तो आप भी लेट रिप्लाई करेंगे। तो आप बेसिकली अपने पर्सन को कॉपी करते हुए दिख रहे हैं, और आप दोनों बहुत ही प्रैक्टिकल और रैशनल जगह पे फिलहाल मार्च के टाइम पे स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं कि आप दोनों प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। एट द सेम टाइम आपकी एनर्जी फील्ड में पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे अपने पर्सन को। हो सकता है कि आप फेस टू फेस उनसे कुछ ना पूछें, या फिर हो सकता है कि आपको फेस टू फेस इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिले जितनी आपको स्टॉकिंग से मिल जाए। लाइक आप इंटरनेट पे इनके बारे में इनकी पिक्चर्स देख रहे हो, या फिर ये जो पोस्ट कर रहे हैं वो देख रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी से इस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस पर्सन की हम एनर्जी देखें तो एट ऑफ वांड्स की एनर्जी है आपके लिए मार्च में। मतलब कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपकी बातें होंगी, हार्ट टू हार्ट डिस्कशंस होंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं कि आपकी कॉन्वर्जेशन होगी, अच्छी या बुरी कॉन्वर्जेशन, आपकी बातें होंगी, हार्ट टू हार्ट डिस्कशंस होंगे। और मुझे लग रहा है कि इसी हार्ट टू हार्ट डिस्कशन में आपको कुछ पर्सन ये बातें बताएंगे जो आपको पहले पता नहीं होंगी। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन है, क्लैरिटी है, बहुत सारी बातें हो रही हैं और पॉजिटिविटी भी दिख रही है। अब हम फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर ये वाला जो फ्यूचर है ये आपका नियर फ्यूचर है। मतलब कि ये थोड़े ही दिनों में मैनिफेस्ट हो सकता है, 1 महीने में, 1.5 महीने में, 30 डेज में, 20 डेज में। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि आप लोग अपना झगड़ा ख़त्म कर रहे हैं। ओके, आपका और आपके पर्सन का अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि आई एम डन विद द कॉन्फ्लिक्ट। ओके, और आप बहुत ही स्टेबल जगह पे स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं अपनी लव लाइफ में। स्टेबिलिटी किसी तरीके की फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में आ रही है, और कोई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो रहे हैं। अब इन दोनों कार्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, और मैं इसीलिए बताती हूँ क्योंकि कई बार आप टैरो रीडिंग्स को समझ नहीं पाते और फिर आप लोग मुझे कॉमेंट करते हैं कुछ। तो यहाँ पे झगड़ा ख़त्म हो रहा है प्लस आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपका एक पर्सन से झगड़ा ख़त्म हो और दूसरे पर्सन के साथ स्टेबिलिटी आ जाए। ये भी हो सकता है कि सेम पर्सन के साथ झगड़ा ख़त्म हो और सेम पर्सन के साथ स्टेबिलिटी आ जाए। तो ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अभी यहाँ पे अगर हम आउटकम देखें, अब आउटकम कब मैनिफेस्ट होता है? आउटकम 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मैनिफेस्ट हो सकता है। तो आउटकम क्या निकल रहा है? आउटकम टेम्परेंस निकल रहा है। टेम्परेंस अगेन ये बता रहा है कि किसी के साथ में बॉन्ड आपका अच्छा बन रहा है और आपके कनेक्शन में नई शुरुआत हो रही है, या फिर आप कोई नया कनेक्शन शुरू कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा न्यूनेस है आपके फ्यूचर में, बहुत ही ज़्यादा न्यूनेस है। और अभी थोड़ा सा टग ऑफ वॉर हो सकता है कि आपके कनेक्शंस में चल रहा हो, बट मार्च इज़ अ मंथ ऑफ क्लैरिटी, मार्च इज़ अ मंथ ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, अभी चलिए और कुछ आपकी लव लाइफ की एनर्जीज देखते हैं, उसके बाद हम आपकी हर एक साइन के साथ में कंपैटिबिलिटी देखेंगे। ओके, यूनिवर्स शोज क्लियरली कि कैंसेरियंस की लव लाइफ में और क्या हो सकता है मार्च में। उसके बाद अभी मैं इसके बाद आपको गाइडेंस अलग से भी बताऊंगी। फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो एक चीज होते हुए दिख रही है कि आप मार्च में ऐसी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं लव लाइफ में जहां पे आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने भी अपनी प्रैक्टिकल एनर्जीज को एम्बॉडी कर लिया है, थोड़ा इमोशनल साइड से निकल के प्रैक्टिकल साइड पे दिमाग से डिसीजंस और एक्शन आप ज्यादा ले रहे हैं, दिल से कम ले रहे हैं। तो इसीलिए ये कार्ड आया कि आप ना किसी को भी अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं करने देंगे। जैसे कि अगर आपके पर्सन या कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आपको कुछ बोल देता था और आपका पूरा मूड ख़राब हो जाता था, या फिर आप जिस पर्सन के कॉल्स का वेट कर रहे हैं वो पर्सन आपके कॉल का कॉल नहीं करता था आपको, तो आपका पूरा मूड ख़राब हो जाता था। तो बेसिकली आप इन सब चीज़ों से बाहर आ रहे हैं जहाँ पे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, और सजेशन भी आपके लिए यही है। यहाँ पे डिसेप्शन है फॉर श्योर, आपके पर्सन अभी आपको पूरी बात नहीं बता रहे हैं, या फिर आपके सामने अपना बेस्ट सेल्फ रख रहे हैं, या फिर सारी चीज़ें आपको नहीं बता रहे हैं। तो
को थोड़ा सा केयरफुल रहना है. हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, यस आपकी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस होंगी इस पर्सन से. और मुझे लग रहा है कि ये जो डिसेप्शन का कार्ड है ये एनर्जी क्रॉस हो जाएगी जब आपकी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन होगी. अभी ज़रूर हो सकता है कि कुछ चीज़ें छुपाई हो उस पर्सन ने, बट इस बार डीप कुछ कॉन्वर्जेशन होते हुए दिख रही है. समहाउ फाइनेंसेस और करियर आपकी लव लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं. लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. आपके आसपास कुछ फ्रेंड्स हैं कैंसेरियंस, आपके कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं जो आपकी फ्रेंड्स या फैमिली कुछ है जो आपकी हेल्प कर सकती है या फिर आपको अच्छे सजेशंस दे सकते हैं आपकी लव लाइफ में. तो अगर कोई आपको कुछ अच्छे सजेशन देता है आपकी लव लाइफ को देख के, आपका कोई फ्रेंड कुछ आपको अच्छे सजेशन देता है, तो उस सजेशन को ज़रूर से एक बार को उसको कंसीडर ज़रूर करिएगा, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि किसी ना किसी के थ्रू आपको अच्छे सजेशंस या डायरेक्शंस मिलने वाले हैं आपकी लव लाइफ में. ओके, उसके बाद यहाँ पे है कॉम्प्रोमाइज़. हो सकता है आपको फीलिंग आए कि किसी पर्सन के साथ रहने के लिए मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना है या नहीं आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा. देखिए कभी कभी कनेक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, यस अगर दोनों साइड से म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ और म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो तो कॉम्प्रोमाइज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट बी केयरफुल, ऐसा तो नहीं कि आपको ही सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े या फिर आपको लाइफ में कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इम्प्रूविंग हेल्थ सिचुएशन, आपकी इम्प्रूव हो रही है लव लाइफ की. लिसन टू योर इंट्यूशन, इंट्यूशन आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करेगा आपका. कम्युनिकेट क्लियरली, अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखिएगा अपने पर्सन से. आपका इंट्यूशन आपको गाइडेंस देगा. ओके, गाइडेंस देगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. इंट्यूशन को समझने की कोशिश करिएगा. कुछ फ्रेंड्स भी आपके हेल्प कर सकते हैं. और अपना जो कम्युनिकेशन है ना, उसे आप जब भी इस पर्सन से बात करते, जो भी आपके पर्सन हैं, कम्युनिकेशन को ऑथेंटिक रखिएगा, रियल रखिएगा. जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है वो ज़रूर बताएं अपने पर्सन को, जो चीज़ें पसंद है वो भी बताएं. बट कोशिश करिएगा कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट या गुस्से में आके कोई बात ना करें आप. बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी लव लाइफ में बहुत ही बड़े बदलाव आ रहे हैं. इट्स अप टू यू, बट एट द सेम टाइम ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. एंड यूनिवर्स इज सेइंग आप लाइफ में क्या चूज़ करना चाहते हैं ये भी आप पे डिपेंड करता है. बट जस्ट बिकॉज आप, ये बहुत ही साइड नोट है, सबके लिए नहीं है, इस रीडिंग से इसका रिलेशन भी नहीं है मैसेज का. बट जस्ट बिकॉज आपको ये लगता है कि आपको इससे बेटर पर्सन नहीं मिल सकता, इसीलिए किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा. ये सोच के कि इससे बेटर तो मुझे मिल ही नहीं सकता, तो चलो इसके लिए मैं अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हूँ, ये एटीट्यूड आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है. अब चलिए, अब हमें क्या करना है, हम आपकी हर एक साइन के साथ में कंपैटिबिलिटी देखेंगे और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं वो बताऊँगी और फिर हम अल्फाबेट्स भी देखेंगे फर्दर कंफर्मेशन के लिए कि ये रीडिंग आपकी ही है. सो मैंने अपना इंटेंशन रख लिया है कि हम एरीज से स्टार्ट करेंगे और स्कॉर्पियो पे ख़त्म करेंगे, सो दैट हमें बार बार शफल ना करना पड़े. तो ओके, अगर आप कैंसेरियन हैं और अगर आप एरीज से डील कर रहे हैं तो मार्च आपके लिए कैसा रहेगा. ओके, द हायरोफेंट है और द लवर्स है. ओके, मार्च आपके लिए अच्छा दिख रहा है अगर आप एरीज से डील कर रहे हैं तो. आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं. एट द सेम टाइम जो लोग भी चाहते हैं अपने पार्टनर से शादी करना या फिर आप चाहते हैं कि आपके कनेक्शन को आपकी फैमिली फ्रेंड्स या सोसाइटी एक्सेप्ट करे, तो आई थिंक ये अच्छा एक मंथ है जहाँ पे शायद कुछ लोगों को भी आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा और यू नो आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे. और अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं तो अगेन आपके लिए भी ये मंथ अच्छा दिख रहा है. यहाँ पे आप एक दूसरे में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. आई थिंक अगर आप लियो से डील कर रहे हो तो आपका कॉमन फ्रेंड सर्कल है या फिर कॉमन वर्क प्लेस है जहाँ पे आप और आपके अलावा और भी लोग हैं साथ में, बट आप मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे में इंटरेस्ट ले रहे हैं, किसी टाइप की फाउंडेशन को रख रहे हैं, तो मार्च इज़ लुकिंग गुड. अगर आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं, तो सैजिटेरियस आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकते हैं. और डिसअपॉइंट का मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत होगा आपके साथ, डिसअपॉइंट का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं शायद ये पर्सन आपकी पूरी की पूरी एक्सपेक्टेशन को पूरा ना कर पाए. तो थोड़ी सी कम एक्सपेक्टेशन रखिए, बट प्रेजेंट मोमेंट को इन्जॉय करिए इस पर्सन के साथ में. इस पर्सन अभी शायद
उतना ज़्यादा फ्री नहीं है या उतना ज़्यादा रेडी नहीं है कि आपकी सारी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके। अब अगर आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं, अगर आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं तो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी आते हुए दिख रही है। आप दोनों यू नो टेम्परेंस फिर से आया, टेम्परेंस आपके आपके लिए बहुत पहले भी बहुत बार आ चुका है। आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बढ़ रही है, आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी दिख रहा है आप दोनों के बीच में। अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं तो अगर आप किसी लिब्रा से डील करें तो चीज़ें अच्छी जाते हुए दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस हैं, यहाँ पे एफर्ट्स हैं, यहाँ पे अच्छी एनर्जीज हैं। अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं, कोई किसी को ऑफर दे रहा है, कोई किसी के लिए इमोशनल फील कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं अगर आप लिब्रा से डील कर रहे हैं तो। अगर आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, अगर आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक्वेरियस आपको कोई ऑफर दे बट आप उसे एक्सेप्ट ना करो, या फिर आप एक्वेरियस को कोई ऑफर देना चाहो बट चीज़ें कहीं पे अटकी हुई हों। बेसिकली अगर आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी स्टकनेस दिख रही है इस कनेक्शन में, तो ये कनेक्शन थोड़ा सा स्लो चलने वाला है। ओके, अब अगर आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं तो अगर आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग आने के चांसेस हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के भी चांसेस हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट जो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो रहा है या फिर किसी और यू नो कुछ और लोगों की वजह से हो रहा है, तो यस यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, बट यहाँ पे एट द सेम टाइम चीज़ें थोड़ी सी फ्रजाइल भी लग रही हैं। ओके, थोड़ी सी अब फ्रजाइल है, नाजुक है सिचुएशन थोड़ी सी, तो केयरफुली हैंडल करिएगा इस रिलेशन को या फिर कनेक्शन को। छोटी सी बात, छोटी छोटी बातों से इश्यूज आ सकते हैं आपके और वर्गोस के बीच में। अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं तो अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है आप दोनों के कनेक्शन में। टॉरस और आप यू नो हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड ज़रूर दिख रहे हैं बट बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपके और टॉरस के बीच में बात कहीं पे रुकी हुई है। किसी को कुछ डिसीजन लेना है, किसी को अपना दिमाग बनाना है, किसी को डिसाइड करना है, कुछ मेजर डिसीजंस बाकी हैं इस कनेक्शन में। तो यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड आप दिख रहे हैं बट फिजिकल फॉर्म में कितने थोड़े से कम एक्शन यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। आपकी पर्सन कुछ सोच रहे हैं, कोई डिसीजन लेना है। अगर आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं तो अगर आप किसी कैप्रिकॉन से डील करें तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स के चांसेस हैं, यहाँ पे इमोशंस हैं, यहाँ पे एनर्जी बहुत ही अच्छी दिख रही है, तो यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है अगर आप कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं तो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन लाइफ के किसी ऐसे फेज में खड़े हों जहाँ पे इनका ध्यान बहुत ज़्यादा करियर और पैसों पे हो, बट स्टिल यहाँ पे अच्छा दिख रहा है आप दोनों का। यहाँ पे अगर ये कोई नया पर्सन है, कोई कैप्रिकॉन है, नया है ये रिलेशनशिप, तो बहुत ही अच्छा चलने वाला है। अब अगर आप किसी कैंसेरियंस से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी है और द चैरिट की एनर्जी है। यहाँ पे बातें आगे बढ़ सकती हैं, यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ में फ्यूचर देख रहे हैं और आपका कनेक्शन ग्रो कर रहा है, तो बात आगे बढ़ सकती है। अगर आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बैलेंस आते हुए दिख रहा है इस कनेक्शन में। आप दोनों इक्वल एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्सन भी ट्राई कर रहे हैं और कनेक्शन में कोई स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, तो आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा, आप दोनों की बातें होंगी, बट एट द सेम टाइम आपके पर्सन आपको कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आप हर्ट हो जाएं या फिर आप अपने पर्सन को हर्ट कर सकते हैं। आप दोनों अपने कम्युनिकेशन से एक दूसरे को हर्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो बी लिटिल केयरफुल। अभी यहाँ पे जो सबसे डोमिनेंट साइन थे वो जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस है, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। उसके बाद में यहाँ पे कर्क राशि है, तो आपके पर्सन भी कैंसेरियंस हो सकते हैं। पाइसीज हैं यहाँ पे मीन राशि और स्कॉर्पियोज हैं वृश्चिक राशि। यहाँ पे कैप्रिकॉन है मकर राशि, यहाँ पे सैजिटेरियस हैं धनु राशि, यहाँ पे वर्गोज हैं वर्गो टॉरस और कैप्रिकॉन, कन्या राशि वृषभ राशि और मकर राशि, स्कॉर्पियो फिर से हमें दिख रहे हैं। यस, अब अल्फाबेट्स देते हैं। और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे लव है, ड्रीम है,
बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग चल रही है आपकी, और यहाँ पे कोई किसी टाइप का लव ट्रायंगल भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में। यहाँ पे स्कॉर्पियोज़ हैं, वृश्चिक राशि, यहाँ पे वर्गोज़ हैं, कन्या राशि, एंड द लेटर्स वी हैव आर, इन लेटर्स में आपको आपके पर्सन का पूरा नाम मिल सकता है या फिर आपका पूरा नाम मिल सकता है। वो एक फर्दर कन्फर्मेशन होगा कि मैसेजेस आपके लिए थे। यहाँ पे है लेटर ओ डी आई आर एल ई ए आई आर टी जी टी, यहाँ पे ब्लैंक है। तो अगर आप अपना नाम बना रहे हैं अपने पर्सन का और एक लेटर नहीं मिल रहा है, तो इस ब्लैंक को आप वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं। देन वी हैव ई आर ओ बी एंड डब्ल्यू। ओके, सो दिस इज इट कैंसेरियंस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मार्च, टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।